हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर आपके पास 2 से 3 कलर की क्रीम बची हुई है और आप एक नए तरीके का केक डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप उसे कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरे पास घर में मिलने वाली एक नॉर्मल सी पॉलिथीन है और पहले हम इसे कट करके एक शेप में ले आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसके हैंडल्स मैंने कट कर दिए और पीछे के पार्ट को भी कट कर दिया है और इसकी सारी जो ये प्लेट्स है उसे हटा लेंगे हम। अब ये डबल पीस में है तो इसे हम कट करके सिंगल पीस में कर लेते हैं। तो ये पॉलिथीन सभी के घर में आसानी से मिल जाती है, इसीलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास प्लास्टिक की किचन क्लिंग रैप है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, अब मेरे पास देखिए 2-3 कलर की क्रीम जो है बची हुई है। मैंने अपने केक्स बनाए थे और कुछ कुछ क्रीम मेरे पाइपिंग बैग में बच गई थी, तो इस तरीके से देखिए मैंने नोजल से ही इनको लाइन्स की फॉर्म में सेट कर लिया है। आप इसे स्पून से मत डालिएगा, किसी भी पाइपिंग बैग में भर करके इस तरीके से लाइंस ही बनाइएगा, तभी आपका डिजाइन जो है वो नीट आएगा। मैंने तो आज यहाँ पर 4 कलर्स का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो 2 या 3 कलर से भी ये डिजाइन बना सकते हैं। अब हम इस पॉलिथीन को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो देखिए, ये हमारा एक नए तरीके का पाइपिंग बैग बन गया है और बस फ्रेंड्स, हमें बस इतना ही करना है और हमारा देखिएगा डिजाइन कितना खूबसूरत बनेगा। ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग बैग के अंदर N1 नोजल लगाया है। आपके पास ये नोजल हो, स्टार नोजल हो, चाहे 2D नोजल हो, आप कोई सा भी स्टार वाला नोजल ले सकते हैं। और देखिए, जो पॉली बैग से हमने पाइपिंग बैग बनाया था उसको मैंने इसके अंदर फिट कर दिया है और हमारा अब पाइपिंग बैग रेडी है। अब आप जैसे चाहें इससे डिज़ाइन बना सकते हैं, चाहे तो स्वर्ल वाला बना सकते हैं, चाहे तो रोजेट बना सकते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। आपको सिंपली छोटे छोटे फ्लावर्स बनाने हैं और बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, पाइपिंग बैग को अब आपको घुमाना नहीं है, यानी कि जहाँ येलो शेड आ रहा है और जहाँ रेड शेड आ रहा है बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करना है। इससे केक में बहुत अच्छी एक सिमेट्री आ जाएगी और कलर कॉम्बिनेशन भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए, धीरे धीरे करके छोटे छोटे फ्लावर्स मैंने पूरे केक के सर्कल में बना दिए हैं और ऐसे ही मैं एक सर्कल अंदर की तरफ और बना दूंगी। आपका केक का साइज अगर बड़ा है तो आप 3 से 4 सर्कल भी बना सकते हैं, चाहे तो इस पूरे केक को कवर भी कर सकते हैं, पर मैं क्योंकि बची हुई क्रीम से बना रही हूँ तो मेरे पास कम ही क्रीम है। N1 नोजल में बहुत ज्यादा क्रीम लगती है फ्लावर बनाने में, तो मैंने अंदर वाले क्रीम वाले पाइपिंग बैग को दूसरे पाइपिंग बैग में डाला है जिसमें सिंपल एक स्टार नोजल लगाया है और उससे भी देखिए बॉर्डर की तरफ कितने सुंदर फ्लावर हमारे बन गए हैं। आप चाहें तो बीच में इसे डेकोरेट करने के लिए कोई टॉपर भी प्लेस कर सकते हैं। मैं यहाँ बर्थडे का एक टॉपर लगा रही हूँ और साइड में जो फ्लावर्स हैं उन पर गोल्डन या वाइट पर्ल्स भी आप लगा करके इसे और डेकोरेट और खूबसूरत बना सकते हैं। तो देखिए, एकदम कम क्रीम से ही मिला जुला करके हमने ये मल्टी कलर केक कितना प्यारा मिनटों में डेकोरेट कर लिया। आप इस डिज़ाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा, इसे तो बिगिनर्स भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं। आज का मेरा वीडियो, आज की केक की डेकोरेशन अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर बार कुछ नया देख करके सीखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं उससे डायरेक्ट जुड़ने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।